और मीटिंग के लिए क्या हुआ रमन? हाँ, मीटिंग के बारे में बताया उन्होंने। मीटिंग सर, मीटिंग मीटिंग के बारे में कमिश्नर ने कुछ डिटेल्स बताई आपको? बताई तो है, लेकिन करण हम दोनों चाहते कि इसके आगे हम दोनों एग्जीक्यूट करें, बिकॉज मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। प्लीज पर मैम, प्लीज 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 जिद मत करो। देखो, तुमने इतना हमारा साथ दिया है, वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट, बट इसके आगे आई डोंट वांट टेक द रिस्क। प्लीज ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हैं तो, बट आपने कुछ सोचा है कि कमिश्नर ने जो गैजेट्स दिए थे उसे कैसे यूज करेंगे आप? तो मैं सूट पहन के जाने वाली हूँ ताकि मैं बग छुपा सकूँ अपनी ड्रेस में, और उसके अलावा पर्स पे कैमरा फिट कर देंगे ताकि पूरी मीटिंग रिकॉर्ड हो सके। पहली बात तो ये कि इशिता को उस मीटिंग में मैं खुद ले जाऊंगा ड्राइव करके। आप कैसे जा सकते हो रमन? रमन, मैं शाइना शाह बनकर जा रही हूँ, आप जाओगे साथ में तो कोई भी पहचान जाएगा। तू शाइना शाह बनकर जा रही तो मैं कौन सा रमन भल्ला बनकर आ रहा हूँ तेरे साथ? डोंट वरी, वो नहीं पहचानेंगे मुझे, शायद तू भी ना पहचान पाए। और अगर तुझे ऐसा लगता है कि वहाँ कोई भी खतरा है तो मुझे इशारा कर देना, मैं गाड़ी लेके आ जाऊंगा, टेक यू बैक। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अब तो पुलिस वाले भी हमारे साथ हैं, हमें डरने की कोई बात नहीं। इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, मुझे खुद शमशाद पे नजर रखनी होगी। लो, इलेक्शन रिजल्ट आने शुरू हो गए। मैं तो कहता हूँ वोटिंग जो है ना सभी को करनी चाहिए, ये हमारा फर्ज भी है और अधिकार भी। ऐसे तुसी बिल्कुल ठीक कहा पल्ला साहब, देखने की रिजल्ट आंदा है। मां पापा, इसी दौर में फिल्म देखने जा रहे हैं, थोड़ा चेंज हो जाएगा। हाँ जी सदके पुत्र, जाओ। अच्छा डिनर का बता दो कि बाहर करोगे या घर पर? नहीं माँ, बाहर कर लेंगे, आप लोग वेट मत करना, आप लोग खा लेना। ठीक है, ओके मम्मी जी पापा जी, गुड नाइट। सिमी, घर पे सबका ख्याल रखना। हाँ डोंट वरी, यू गो एंजॉय। रिशिमा, रमन, रमन नहीं, रामदीन बोल, ड्राइवर हूँ तेरा। हाँ सुनो ना, सब ठीक है ना? कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है? परफेक्ट है, और सब प्लान भी इतना ही परफेक्ट हो जाए। चल चल, इधर नहीं उधर, हमारी गाड़ी वो है, चल। ये क्या हो गया इसमें? ये भी आज ही होना था, किसी काम के नहीं है आदमी। जब से साहिल भाई गए सबके सब निकम्मे हो गए। ओ सर जी आइए। मैंने नहीं बोला कोई कैब। वो कीगल कर रहे हो सर जी? वो एहो लोकेशन है, ओ, मेरे पास बुकिंग है जी। अपना ओटीपी बताइए आप। मैंने कहा ना मैंने बुक नहीं किया। हाय रब्बा, ओ मेरा तो नुकसान हो गया सर जी। ओ सर जी मुझे तो लग रहा है आपका भी नुकसान हो गया, वो गड्डी खराब हो गई है। हाँ तो एक काम करो ना, मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको, वो दोनों का फायदा हो जाएगा ना। अच्छा चलो ठीक है, वो बढ़िया है, आइए आइए आइए। कैलाश की तरफ ले लो। अरे ये तो कहीं और जा रहा है, पर ऋषिमा और पापा तो मुरतलाल हाईवे गए। कोई है नहीं यहाँ हमारे अलावा, नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मुझे ठीक फीलिंग नहीं आ रही है रमन। टेंशन मत ले मदरसन, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तेरे साथ। एक काम करते हैं, 10 मिनट और रुकते हैं। तुम लोग अपने आदमियों को लेकर निकल रहे हो ना, तो निकल पड़ो। और हाँ, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मार डालो उस रमन भल्ला को, बहुत होशियार बनता था ना। और वो करण मेरा सिम कार्ड चुरा कर वो मिशन निकाल दी,
बहुत समझदार बनता है। ये सारा जाल मैंने उस रमन भल्ला के लिए बिछाया है। और हाँ, उसे मार कर उसके पास ड्रग्स के पैकेट छोड़ देना, ताकि पुलिस को पता चले कि वो ड्रग्स डील कर रहा था। ठीक है? अभी किसका मैसेज है? करण, रन, रन मतलब कहाँ रन? पागल हो गया। एक सेकंड, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? कहीं ये कुछ बताना तो नहीं चाह रहा इस मैसेज से? क्या करूं? उसी को फोन करती हूँ। आजी फोन क्यों कट कर रहे हो? उठा लो, कोई बात नहीं। नहीं जी सर जी, गाड़ी चलाते वक्त थोड़ी फोन पे बात कर सकते हैं, क्लाइंट गुस्सा हो जाते हैं। संभाल कर चलाओ बाजी। सॉरी सर जी, सॉरी। फोन क्यों कट कर रहा है? क्या करूं अभी? पापा को फोन करती हूँ। तो पागल हो गया क्या? संभाल के चला, नहीं तो अभी तुझे उतार के गाड़ी में लेके चले जाऊंगा। सॉरी सर जी, नहीं होगा नहीं होगा, टेंशन मत लो आप। मैसेज तो रूही को चला गया शायद, तभी तो वो कॉल कर रही है। पर मैं अब पापा को कैसे कॉल करूँ, कैसे इन्फॉर्म करूँ उन्हें? रमन, रूही का फोन। अरे रूही, हेलो। हेलो पापा, आप कहाँ हो? बेटा बोला था ना, पिक्चर देखने जा रहे हैं मैं और तुम्हारी रिशिमा। एनीवे, मुझे पापा करण का मैसेज आया था, उसमें लिखा है रन। क्या मैसेज? क्या? बस रन ही लिखा है, मुझे उसका मतलब तो नहीं समझ आया, पर आई जस्ट थॉट कि वो कुछ बताना चाह रहा है उस मैसेज से, एंड आई थॉट इट्स रिलेटेड टू यू, तो मैंने सोचा आपको फोन करके बता दूं। आपका इससे कुछ मतलब है क्या पापा? ठीक है भाई, कुछ गड़बड़ है। भाग। रमन, कौन आ रहा है वो? इश्ता सुन, छुपे रहना, बाहर मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं संभालता हूँ। स्टैंड का, स्टैंड का। मनी अंकल, मैंने पापा को इन्फॉर्म तो कर दिया, पर मुझे बहुत टेंशन हो रही है, वो दोनों हैं कहाँ? मुझे घबराहट हो रही है, मुझे लग रहा है वो दोनों ठीक नहीं है, कुछ तो मुसीबत है, आप प्लीज पता लगाइए। डोंट वरी रूही, देखो मैं इमीडिएटली कमिश्नर को फोन करता हूँ। ओके मनी अंकल, आप एक काम कीजिए ना, मुझे आप कॉन कॉल पे ले लीजिए, अगर वो कुछ पूछेंगे तो मैं इमीडिएटली बता दूंगी। हाँ श्योर। हाँ ये तो रमन की कार नहीं है, तो फिर कौन आया यहाँ पे? शमशाद भाई ने तो बोला था कि रमन आने वाला है। तू एक काम कर, तुम लोग अलर्ट रहना, मैं देख के आता हूँ। जी सर, वो करण का मैसेज आया था मुझे रन, आई थिंक इंस्टेड ऑफ मी वो पापा को मैसेज करना चाह रहा था, लेकिन गलती से वो मैसेज मेरे पास आ गया। पर मुझे लग रहा है कि शमा और पापा किसी मुसीबत में है। मैंने पापा को इन्फॉर्म तो कर दिया था, लेकिन तब से उनका कोई क्लू नहीं है। आप प्लीज कुछ करिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, आप प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, वो सेफ नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।